ये पीस प्रोग्राम जो है ये कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आज जो ऑडियंस है वो कॉरपोरेट्स और इंटेलेक्चुअल्स और अच्छी सोसाइटी के पढ़े लिखे ऐसे ही नहीं हैं। उनके पास एक एक्स्ट्रा फीचर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो कि ये सब, आप सब गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं। आप सबकी सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। एक एक्सटेंसिव रिसर्च करके आपके लिए योगिक क्रियाओं का सेट लेकर आए हैं। ये इतनी साइंटिफिकली डिजाइंड है जिससे हेड टू टो हमारी बॉडी में प्राण ऊर्जा का संचार होता है, जिसके बाद हमारी बॉडी वाइटलाइज हो जाती है और साधना के लिए अच्छे से तैयार हो पाती है। पोस्चर होगा ना, वो एक ऐसे इनविंसिबल फोर्ट की तरह बन जाएगा, एक ऐसे अभेद्य किले की तरह होगा जिसे कोई भी एनिमी, जिसे हमने डिस्कस किया था, हमारा नींद, आलस, प्रमाद, ये कोई भी एनिमी इसे अटैक नहीं कर सकता। और अब ध्यान में उतरते जाएंगे, गहरे उतरते जाएंगे। ये है परफेक्ट पोस्चर टू सिट इन। Science of sadhana, meditation, eternal and universal based on research. सृष्टि के आरंभ में यही साधना थी, आज भी यही है और सृष्टि के अंत तक भी ध्यान की साधना की यही पद्धति रहेगी। यह है ब्रह्म ज्ञान की आज्ञा चक्र साधना। जिन्होंने करुणा के बादल बरसाए, घट भीतर ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाए, ईश्वर के दर्शन करवाए, जो दिव्य प्रेम का संदेश लाए, ऐसे गुरु को पाकर क्या कहता है शिष्य समाज? सयोनी मेरे भाग जग गए, सयोनी मैनु रंग लग गए। सयोनी मेरे भाग जग गए, सयोनी मैनू रंग लग गए, सयोनी मेरे भाग जग गए, सयोनी मैनू रंग लग गए। लाई जद चरणों दी धूड़, निगाह कीती जदों हजूर, सयोनी मेरे भाग जग गए, सयोनी मैनू रंग।
It's been more than 10 years. I have taken Diksha from Ashutosh Maharaji. But whenever we do sadhana, we actually struggle with the issues whatever are taken up here. So attending this peace program will make you more nearer to your goal. Marvelous. मतलब मार्वलेस तो छोटा सा शब्द है बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा हमें ये फ़ायदा करेगा. इट्स लाइक द मेमोरीज हैव बीन रिवाइव्ड अगेन. अभी भी मैं बता रही हूँ तो मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं. आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट बट नाउ आई एम ऑल डन. आई एम ऑल सेट. दम से जैसे ऐसे दिखा कि महाराज जी मेरे सामने आ गए हैं. सो बहुत ही अच्छा फीलिंग और इतना पीसफुल अंदर लगा और ये लगा कि जैसे फिर दोबारा से वो एनर्जी आ गई है. दिस इवेंट विल हेल्प मी टू डीक्लटर माई माइंड एंड आई विल बी एबल टू फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम एंड आई वुड बी एबल टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस. सो दैट वुड हेल्प मी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. मुझे हमेशा ये रहता था कि हम जो ये ध्यान करते हैं ये क्यों हम कर रहे हैं और इससे क्या बेनिफिट्स हैं. मैं साइंटिफिक रीज़न जानना चाहती थी जो मुझे आज तक नहीं मिल रहा था और आज ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा. मुझे वो सारा चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हुआ. मुझे आज बहुत दिव्य अनुभव हुआ है. मेरे हृदय में ऐसे ज्योत सी जली है. एवरी बिट ऑफ इट वॉज एक्सप्लेन सो वेरी वेल, डेमोन्स्ट्रेटेड सो वेरी वेल विद एग्जाम्पल्स, विद लाइव एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, रियल स्टोरीज. आज जो ध्यान लगा ऐसा कभी लगा नहीं. मैं ऐसा ध्यान अभी तक मैं कह सकती हूँ कि मेरा कभी लग नहीं पाया है. इट वॉज द फर्स्ट टाइम. इट वॉज लाइक यू नो रिटर्निंग होम सेशन फॉर मी. मैं ज़्यादा नहीं मेडिटेशन करती हूँ बट अब मैं बिल्कुल करने वाली हूँ. मुझे भीतर से काफ़ी अच्छे एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट फील हुआ है एंड आई डेफिनेटली फील दैट अब आई विल बी एबल टू पुट माई हार्ट एंड सोल थ्रू आउट इन टू माई साधना. दिस होल प्रोग्राम वॉज इट्स सो फाइनली डिज़ाइंड. मतलब यहाँ पे आप बेसिकली पूरा मेडिटेशन का 0 से 100% तक पूरा सीख सकते हो. 21 साल हो गए ज्ञान लिए हुए लेकिन मैं उस कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे थे उसकी गहराई को मैं जान पाई. मेरा एक टाइम पे ध्यान ऐसा लग रहा था कि मेरे को वो ज्ञान जब दीदी ने बताया कि ज्ञान जो बिंदु है उस पर केंद्र करना है तो उस पर मुझे ध्यान करते हुए आई वॉज लाइक उस टाइम पर रुक गई थी मैं. सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे मेरे को साक्षात महाराज जी की प्रेजेंस फील हुई. बकायदा येलो ड्रेस में महाराज जी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे और लाल उनका लेस लगा हुआ था पूरे ड्रेस पे और वो सबको देख रहे थे. मतलब जैसे महाराज जी देखते हैं ना एक एक इंसान को देख रहे थे कि वो कर क्या रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, वो कुछ सीख रहे हैं. मतलब वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था आज मेरा. आनंदोत्सव था आज. एक्चुअल में ज्ञान आज मिला ऐसा लग रहा है. आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था. मतलब ऐसे कि बंद ही रखे, मतलब क्यों खुलवा रहे हैं. ये जो घबराहट थी वो मेडिटेशन करते समय महाराज जी से थोड़ा सा लगाव टाइप का हो गया तो वो घबराहट अपने आप खत्म हो गई जो एक दो दिन से लगातार कंटिन्यूसली चल रही थी. I would request the Peace Workshop Wing to keep on organizing such workshops from time to time. It's amazing. We are not pocket gyanis. We are rocket gyanis. We are not pocket gyanis. We are rocket gyanis. #PeaceProgram